नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन अब हमारे खिलाफ कोई हिमाकत नहीं कर सकते। हमारी सेना दुनिया में सबसे मजबूत सेना है। और साथ ही उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का जो विकास किया वो अभी तक एक ट्रेलर है, जबकि अमेठी में आज भी कांग्रेस गुलामी वाली मानसिकता के तहत जनता से व्यवहार करती है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रखर प्रकाश मिश्र ने। आज हमारे संग इलेक्शन 2019 में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके पड़ बाबा ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और उनके बाबा ने द्वितीय विश्व युद्ध में, और उनके पिता ने 61 की भी लड़ाई लड़ी और 71 की भी लड़ाई लड़ी। तो उनसे जानने की कोशिश करूंगा, राजवर्धन राठौर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सेना की वर्दी के बाद अब जब खादी पहनकर काम कर रहे हैं तो कहां पा रहे हैं अपनी सरकार को, और खास तौर पर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे हुए हैं बनारस में, वहां पर किस तरीके से आम जनता से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और पूर्व सैनिकों के घरों से कैसे उनको लगता है कि राष्ट्रवाद अब पूरे देश में होगा। खास तौर पर राष्ट्रवाद की जो आपने बात कही, पूरे देश में राष्ट्रवाद किस तरीके से, जबकि विपक्ष कहता है कि आप सेना का दुरुपयोग करते हैं अपने नाम पे और प्रधानमंत्री के नाम पे, और जबकि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक शेर है। देखिए, जब हम बचपन से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की कहानियां पढ़ते हैं, ये कहानी हमें क्या सिखाती है और क्यों हमें पढ़ाई जाती है? हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारा भी चरित्र, हमारा भी व्यक्तित्व इनकी तरह बने। जिस तरह से उन्होंने देश को पहले रखा, उसी तरह हम भी देश को, राष्ट्र को पहले रखें। राष्ट्रवाद और क्या है? तो जब हम बचपन से जो सीखते आ रहे हैं, आज हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि हमसे पहले राष्ट्र है। और हमारा संविधान भी ये कहता है कि जहां हमें स्वतंत्रता है सब कुछ कहने की, वही संविधान हमें कहता है कि आपकी हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि अपने अपने क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, कोशिश करें उसकी। तो हम जातिवाद नहीं लेके जाते, हम राष्ट्रवाद की भावना लेके जाते हैं। जातिवाद कांग्रेस लेके जाती है, किस तरह से तुष्टीकरण करती है, किस तरह से भेदभाव करती है और अपने वोट बैंक मानती है, लोगों को गुलाम मान लेती है एक तरह से। हमारा जो विकास है वो नीचे तक पहुंचा है। हमने जो विकास में जो काम करे हैं 55 साल में नहीं हुए, हमने देश को भी सुरक्षित कर दिया है। जो आज तक अपनी सुरक्षा के लिए देश नहीं करता था वो हमने करके दिखाया है, और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। आज एक भी राष्ट्र नहीं है जो हमसे अलग है। जब अजहर मसूद को आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करा गया तो चाइना जैसा राष्ट्र जो उसकी एक तरह से हिफाजत में खड़ा हुआ था, उसे भी लाइन में आना पड़ा। ये भारत की ताकत है। हमने आंतरिक रूप से भी दिखा दिया, हमने पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की शक्ति है उस रूप में भी दिखा दिया। और सेना एक भारत का अंग है, और उस सेना को जो आदेश देते हैं वो भारत के नागरिक के जनप्रतिनिधि जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं सेना को। तो जब पूरा अंग है सेना भारत का, तो उस अंग की शौर्य का, उस अंग के शूरवीरता का, उस वो अंग भारत की रक्षा कर रहा है, और जो व्यक्ति आदेश दे रहा है, जो बुरा या भला हो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो वो चर्चा क्यों नहीं होगी? इस चर्चा में एक चर्चा और आती, अमेठी भी आप गए थे प्रचार करने, और जब आप बनारस आते हैं, जब दोनों में आप देखते हैं क्या कमी पाते हैं अमेठी में, और क्या आपको लगता है कि 5 साल में बनारस में बहुत बेहतर हो गया जो कि अमेठी में होना चाहिए था? अमेठी और बनारस में जो फर्क है वो हमारी राजनीतिक सोच का फर्क है। अमेठी में गरीब रखा जाता है, बनारस के अंदर सक्षम बनाया जा रहा है। सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं यहां प्रोवाइड करी जा रही है। ये राजनीतिक फर्क है। वही गुलामी वाली मानसिकता कि राजा महाराजा हैं, आए उन्हें आके देख लिया, यही बहुत होता था प्रजा के लिए उस समय। वही मानसिकता उन्होंने अमेठी में रख रखी है कि गांधी परिवार उड़न तश्तरी से आता है, जैसे ही आता है लोगों के अहोभाग्य हो जाते हैं। आज उनको अमेठी छोड़ के भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो नई राजनीति है, उस नई राजनीति का विकास आज अमेठी में पहुंचना शुरू हो गया है। मात्र 5 साल हुए, 35,000 करोड़ रुपए का विकास यहाँ वाराणसी के अंदर हुआ है। जिस कारण से काशी को जाना जाता था, आज उस कारण से वापस
काशी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और अभी तो शुरुआत है। आप जाके देखिए कि काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर तैयार करा है कोई और सरकार नहीं कर सकती थी, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। किस तरह से जो एयरपोर्ट से लेकर वाराणसी तक का कॉरिडोर, आप भी आए होंगे उसके, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के फर्राटे से आपकी गाड़ी चलती हुई पहुंची होगी। एक एक चीज आप देखिए, कितना बड़ा अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, किस तरह से गंगा को शुद्ध करा जा रहा है, सौंदर्यकरण हो रहा है। काशी वाले देखते हैं, पूरे देश के नागरिक इस चीज को देखते हैं, देश में क्या बदलाव आया है। आपने एक अपील की, आपने कहा सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, और आपने कहा अगर हमारे पूर्व सैनिकों को भी सरकार एक बार कह देगी कि जरा पाकिस्तान को संभाल लो तो यही बहुत है। भारत की सेना दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती करी जाती है। अमेरिका की सेना भी भारत की सेना ने कारगिल में किस तरह से युद्ध करा उसको सीखने के लिए आती है। आपने देखा कि किस तरह से पुराने जहाज होने के बावजूद भी हमारे जो लड़ाकू पायलट थे उन्होंने बिल्कुल आधुनिक विमान को मार गिराया। ये भारत के सैनिकों की का शौर्य दिखलाता है, उनकी कुशलता दिखलाता है। ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को, ये ट्रेनिंग परमानेंट होती है, हमारे खून के अंदर है ट्रेनिंग सैनिकों के, और सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, भले ही सेवानिवृत्त हो, लेकिन जो देशभक्ति उनमें है, जो अनुशासन उनमें है, जो समर्पण उनमें है, उस समर्पण, उस कर्तव्य निष्ठा का वो पूरा प्रयोग कर सकते हैं जिस मोहल्ले में रहते हों, जिस समाज में रहते हों, जिस स्कूल में, कोई स्कूल उनके नजदीक हो, वो किसी को भी अपना सकते हैं और वहां पर वहां के जो नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं, उनको खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सैनिक। चलते चलते मैं बस एक सवाल चाहता हूँ, आप रणबांकुरों की भूमि से आते हैं, आप अपना भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान के उस रिकॉर्ड को 2014 को आप इस बार कैसे बनाएंगे और महागठबंधन को आप लोग कैसे पीछे करेंगे, क्योंकि जो माहौल है कि कुछ भी हो जाए पर मोदी नहीं आने चाहिए, तो पूरे देश में आपको कितनी सीटें मिल रही और आप कैसे हर स्टेट में बेहतर करेंगे? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का काम लोगों ने सिर्फ सुना था कि गुजरात में इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीद थी मोदी जी से। 2014 की उम्मीद 5 साल बाद पूरे देश के अंदर एक विश्वास में बदल गई है, क्योंकि उनके काम को अब लोगों ने देखा है, महसूस करा है, और इसी कारण से ये जो जन सैलाब है ये 2014 से भी बड़ा जन सैलाब है। आप देखिएगा 23 तारीख को किस तरह से पूरे देश के अंदर एक वेव है कि अगर इस देश को कोई पार लगा सकता है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही पार लगा सकता है। कितनी सीट आप मान रहे हैं इस बार? देखिए ये काम मेरा नहीं है आकलन करना, आकलन तो आता ही है, क्योंकि मैं गांव-गांव तक गए हैं, आप सबसे मिले, मैंने अपनी सीट संभाली है, मैं राजस्थान की सीटों को देखा है, तो यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि देश में कितनी आ रही है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ देश में बड़ा जन सैलाब है। आप 2014 से भी मजबूत है, ज्यादा मजबूत सीटें आएंगी, लेकिन राजस्थान की जहाँ तक बात है मैं आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर फिर से एक रिकॉर्ड कायम होगा और 25 में से 25 सीटें आएंगी हमारी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजवर्धन सिंह राठौर का सीधे तौर पर मानना है कि हम 2014 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ये बात तभी सच साबित होगी जब 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए। लेकिन अब देखते हैं जनता क्या फैसला कर रही है, अंतिम चरण का चुनाव है, 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि वाकई में जो काशी ने सोचा क्या वही सबने सोचा, ये सब पिटारा खुलेगा 23 मई को। मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, NWI के लिए वाराणसी से, कैमरामैन नरेंद्र मोली के साथ।